डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 26 मई 2019 और 26 मई 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हो रही है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो वहाँ पे जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कब विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 23 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो बहुत से कछुए होते हैं उनकी जो प्रजाति है वो अभी विलुप्त होने के कगार पे है, तो उसी के बारे में लोगों के मन में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ? ये मनाना स्टार्ट हुआ 2000 से। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? अब फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है। तो अभी तक मे मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं मैं आपको बारी बारी रिवाइज करवाता हूँ। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद 2 मई, 2 मई को मनाया गया विश्व ट्यूना दिवस। उसके बाद 3 मई, 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 4 मई, 4 मई को मनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। उसके बाद 5 मई, 5 मई को मनाया गया विश्व हास्य दिवस। उसके बाद 7 मई, 7 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। उसके बाद 8 मई, 8 मई को दो दिन मनाए गए, कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसेमिया दिवस। उसके बाद 11 मई, 11 मई को भी दो दिन मनाए गए, कौन कौन से? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। उसके बाद 12 मई, 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। उसके बाद 16 मई, 16 मई को तीन दिन मनाए गए, कौन कौन से? सिक्किम राज्य दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। उसके बाद 17 मई, 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। उसके बाद 18 मई, 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। उसके बाद 20 मई, 20 मई को दो दिन मनाए गए, कौन कौन से? विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस। उसके बाद 21 मई, 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। उसके बाद 22 मई, 22 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद 23 मई, 23 मई को तो यही दिन मनाया गया, कौन सा? विश्व कछुआ दिवस। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? मैं जिस फ्लो के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ आपको इंपॉर्टेंट डे बताता हूँ उसी फ्लो और उसी सीक्वेंस के साथ आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डे याद होने चाहिए। तो क्लियर है? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा और ये देखिए मैंने यहाँ पे कछुए की पिक्चर भी लगा रखी है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा दिनों तक याद रह सके। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो ये कौन लेंगे? ये लेंगे जगत मोहन रेड्डी, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बेसिकली क्या हो, जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए उसी के साथ ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए थे। वो 4 राज्य कौन कौन से? एक है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। अब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री इसके पहले कौन थे? वो थे एन चंद्रबाबू नायडू। अब वो वहाँ से अपने पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह कौन लेंगे? तो वो बनेंगे जगत मोहन रेड्डी। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? अभी इन्होंने अपने पद की शपथ नहीं ली है, ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ कब लेंगे? 30 मई को ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो क्लियर है? और ये देखिए मैंने यहाँ पे जगत मोहन रेड्डी की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है जगत मोहन रेड्डी। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे एक विशालकाय भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है न्यूजीलैंड में, यानी इस क्वेश्चन का
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है मैंने आपको 1 या 1.5 महीने पहले क्वेश्चन करवाया था और उसमें ये बताया था कि न्यूजीलैंड के जो मॉस्क्यूस है, जो मस्जिद है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। उसी के बाद जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन, जेसिंडा अर्डन, उन्होंने वहाँ पे एक विशालकाय भित्ति चित्र का अनावरण किया। यानी बेसिकली वहाँ पे जो हमले हुए उसके बाद वहाँ की क्या दशा थी, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी एक भित्ति चित्र बनाया है। ये जो भित्ति चित्र है 25 मीटर लंबा है और 80 मीटर ऊंचा है। अब ये कहाँ पे बनाया गया, कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है, न्यूजीलैंड में। तो आपको न्यूजीलैंड के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, वहाँ की करेंसी है डॉलर और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जेसिंडा अर्डन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये कौन से देश ने किया है, ये किया है पाकिस्तान ने। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 की पिक्चर भी लगा रखी है। यही है बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 और ये कुछ इस तरह दिखती है। ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अब कौन से देश ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो किया है पाकिस्तान ने। तो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इमरान खान और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह डॉक्टर आरिफ अलवी। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये कौन बने हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, तो ये बने हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे वोलोदिमिर जेलेंस्की की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है और अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ पे टर्म आई है यूक्रेन, तो मैं आपको यूक्रेन के बारे में बताता हूँ। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, क्वाब, क्या है, क्वाब, और वहाँ की जो करेंसी है वो यूक्रेन हर्वेनिया, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट तो यही बने कौन, वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं DN पटेल। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे DN पटेल की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है DN पटेल और अभी हाल ही में ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब ये कहाँ के बने हैं, दिल्ली के। तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको दिल्ली के बारे में बताता हूँ। दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, अनिल बैजल। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये कौन नियुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, तो ये नियुक्त हुए सूर्यकांत, BR गवई, AS बोपन्ना और अनिरुद्ध बोस। यानी इस क्वेश्चन का फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभी बेसिकली क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, टोटल 31 न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 27 ही न्यायाधीश थे, तो 4 न्यायाधीशों का पद खाली था, उनको तो भरना था। तो अभी हाल ही में सूर्यकांत हो गए, BR गवई हो गए, AS बोपन्ना हो गए और अनिरुद्ध बोस, इन चारों को वहाँ पे नियुक्त किया है। अब यहाँ पे टर्म आई है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी बताता हूँ। हमारे प्रेजेंट टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज कौन है, वो है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, और ये कौन से नंबर के जज है, ये 46वें नंबर के जज है। सुप्रीम कोर्ट से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का मोटो, वो है यतो धर्मस्ततो जय। क्या है, यतो धर्मस्ततो जय। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ये कौन से देश की प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो ये है ब्रिटेन की। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड
एंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने तो अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है। तो वो है थेरेसा मे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे थेरेसा मे की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है थेरेसा मे। और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब क्यों दी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने तो नाम सुना होगा क्या, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट को लेकर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ब्रेग्जिट क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ब्रिटेन क्या चाहता था कि यूरोपियन यूनियन है वहाँ से अलग होना चाहता था, लेकिन उसी प्रयास में जो ये थेरेसा मे है ये असफल रही थी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस्तीफा नहीं दिया है, सिर्फ घोषणा की है। अगर जैसे ही कोई वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे टर्म आई है ब्रिटेन, तो आपको ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ के अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री तो यही है, कौन है, थेरेसा मे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे थेरेसा मे की पिक्चर भी लगा रखी है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय सैनिक को मरणोपरांत गॉड हेमर सोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा जितेंद्र कुमार को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एक टर्म है, कौन सा, गॉड हेमर सोल्ड। हेमर सोल्ड ये क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब बेसिकली ये जो जितेंद्र कुमार है ये कौन है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये अपने भारतीय मूल के एक सैनिक थे। इनको मरणोपरांत टोटल 9 महीनों बाद ये हेमर सोल्ड मेडल दिया जा रहा है। अब इनको कब दिया जाएगा, ये इसी महीने में 29 मई को ये मेडल दिया जाएगा। इनके साथ और भी 119 और 119 लोगों को ये मेडल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप नाम याद रखिए, जितेंद्र कुमार। क्यों इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है और इनको मरणोपरांत ये मेडल दिया जा रहा है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित व्यक्ति बने हैं। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं गोपाल श्रेष्ठ, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे गोपाल श्रेष्ठ की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है गोपाल श्रेष्ठ। और ये प्रेजेंट टाइम से कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये नेपाल के रहने वाले और 25 साल के हैं। और इनको अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया, वहाँ पे चढ़े हैं और ये एचआईवी संक्रमित है। अब यहाँ पे टर्म आई है एचआईवी, तो मैं आपको एचआईवी के बारे में बताता हूँ। एचआईवी के फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस। इनको जो एचआईवी है ये किसी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू नहीं हुआ, इनको जो इंजेक्शन होता है इंजेक्शन के संक्रमण थ्रू ये हुआ है। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेपाल से। तो मैं आपको नेपाल के बारे में बताता हूँ। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ की करेंसी नेपाली रुपया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है खड़क प्रसाद शर्मा ओली। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने सौर मंडल से दूर कितने नए ग्रहों की खोज की है। तो ये कितने नए ग्रहों की खोज की है, तो टोटल 18 नए ग्रहों की खोज की है, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो जर्मन वैज्ञानिक है ये बेसिकली नासा में काम करते थे, और वहाँ से जो नासा का जो केपलर टेलीस्कोप है, कौन सा, नासा का केपलर टेलीस्कोप, उसके थ्रू टोटल 18 नए ग्रहों की खोज की है। अब यहाँ पे टर्म आई है नासा, तो मैं आपको नासा के बारे में बताता हूँ। नासा के फुल फॉर्म क्या होते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, वो है जिम ब्रेडेनस्टीन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रेम्या हरिदास किस राज्य से निर्वाचित होने वाली एकमात्र दलित महिला सांसद बनी है। तो ये किस राज्य से निर्वाचित होने वाली ऐसी एकमात्र दलित सांसद बनी है, तो ये बनी है केरल से, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्म है रेम्या हरिदास। अब इनका नाम इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसी एकमात्र पहली ऐसी दलित महिला है जो केरल से निर्वाचित होकर सांसद बनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रेम्या हरिदास की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है रेम्या हरिदास, और ये केरल से निर्वाचित होने वाली ऐसी एकमात्र दलित सांसद बनी है। अब ये कहाँ की बनी है, केरल की। तो आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल
कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और वहाँ के गवर्नर है पी सतासिवम। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो बस आज के करंट अफेयर से इतना ही। चलिए, अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखते कल का हमारा क्या क्वेश्चन था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कहाँ पे इसरो ने रिसेट 2B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है श्रीहरिकोटा में। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही था, सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो चलिए आज फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो कौन कौन से देशों को घोषित किया है तो बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको कल ही करवा रखा है। तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।